तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन के अंदर। तो जैसे कि सब लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब टेस्टिंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, तो टेस्टिंग के लिए पूरा डीजे खड़ा कर दिया है एमवी कलेक्शन ने। तो भाई तीन तक गिनूंगा, उसके बाद दिखाएंगे भाई साहब एमवी कलेक्शन का डीजे, जिसमें आपको सारी की सारी टेस्टिंग, सारे एम्पलीफायर की टेस्टिंग और प्रॉपर जो कहते हैं ना भाई, इतना नहीं चलेगा, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, एम्पलीफायर दब जाएगा, उठ जाएगा, बैठ जाएगा, सारी टेस्टिंग सामने दिखा देंगे और जो चीज देंगे वो ठोक कर देंगे, बिल्कुल बता कर देंगे कि इससे ये चलता है। तो भाई तीन तक गिनती गिनूंगा, तीन तक पूरा आपको सेटअप दिखाते हैं जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, जिसमें चलाकर भी दिखाएंगे, सारे कनेक्शन बताएंगे, एम्पलीफायर को कैसे चलाते हैं, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, किस तरह से आप एम्पलीफायर की लाइफ को बरकरार रख सकते हैं और किस तरह से करेंगे तो आपका एम्पलीफायर जो है खराब हो सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो आपको पूरी देखनी है, इस चीज की आप बिल्कुल कसम खा लो भाई, पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आप एमवी कलेक्शन से अच्छे से जुड़ पाओगे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे, एमवी कलेक्शन के प्रोडक्ट्स को समझ पाओगे। तो अभी चलते हैं 1 2 3। तो ये रहा भाई पूरा सेटअप। तो यहाँ पर जो है हमारी डबल 18 की दो बेज रखी हुई है, हमारा डीजे मिक्सर रखा हुआ है एमवी कलेक्शन में, सब कुछ ब्रांडेड होने वाला है, सारा कुछ एमवी कलेक्शन का होने वाला है। तो यहाँ पर दो टावर रखे हुए हैं, जो यहाँ पर एक टावर इधर है, एक टावर इधर है, ये हमारा 1000 वाट का एक टावर है, ये भी 1000 वाट का टावर है, ठीक है। इसके लिए हमने लगा रखा है हमने अपना 2000 वाट का एम्पलीफायर, जो कि होता है क्लास ए बी में। तो क्लास ए बी क्यों लगाया है वीडियो में आगे बताऊंगा कि क्लास ए बी टॉप में क्यों लगाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जो दो बेज लगी हुई है, ये डबल अट्ठारह इंची की 2500 वाट की एक बेज है, पूरी 2500 वाट चारों ओम पर ये है, ठीक है। 2500 वाट आप लोगों को पता है कि 8 ओम के स्पीकर होते हैं, इसमें दो, एक इधर एक इधर, वो अभी हम जाली खोलकर पूरी टेस्टिंग दिखाएंगे, एक बार चलाकर दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। बाकी अभी कनेक्शन समझाऊंगा, पहले पीछे चल के कनेक्शन समझाऊंगा तो कि किस तरह से हमने इसको पैच करा हुआ है, किस तरह से हमने इसको लगा रखा है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लास जी का 5000 वाट का एम्पलीफायर, और भाई पूरी भरी दोपहर ही है, दिन के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा धूप में पूरा सारा सेटअप सिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एम्पलीफायर में, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे हम बताएंगे वैसे चलाइए, कभी भी कोई भी दिक्कत सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रखा हुआ 5000 वाट का एम्पलीफायर, जो कि कस्टमर्स के लिए इतनी सारी डिमांड की वजह से जल्दी जल्दी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इसकी, इसके बहुत ज्यादा ऑर्डर आए हुए हैं 5000 वाट के, जो है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है एम्पलीफायर, ठीक है। और इसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं है, और जिसको भी गया है आज तक सबने सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही करी है, ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो एमवी कलेक्शन की बेज रखी हुई है, अब हम इसको थोड़ा सा चलाकर दिखाते हैं, पहले हल्का सा साउंड टेस्ट कराते हैं आपको, जिससे कि थोड़ा सा मजा आए ना वीडियो में, मजा होना चाहिए, फिर उसके बाद कनेक्शन समझेंगे, क्योंकि यार स्टार्टिंग में सब कुछ कर देंगे तो बोरिंग सा हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक बार चल लेते हैं, आप मिक्सर देख लीजिए, मिक्सर भी ये काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी मिक्सर लाइए, हमें लेना है, आते ही हमें बता देना कि एमवी कलेक्शन में मिक्सर आ चुका है, हम तुरंत ले लेंगे। तो भाई मिक्सर के लिए बस एक कंपोनेंट है जो कि इंपोर्ट कराया गया है, बाकी सब कुछ इंडियन है। तो वो कंपोनेंट आते ही जो है एम्पलीफायर, ये हमारा मिक्सर जो है ये भी लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि एमवी कलेक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। तो भाई सॉन्ग प्ले करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए सुनाऊंगा, उसके बाद कनेक्शन समझाएंगे, एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको पूरी हेल्प हो चुकी है। लेकिन वीडियो भाई पूरी देखना, मैं बार बार बोलता रहूंगा, वीडियो आपको पूरी देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सॉन्ग, पहले हम यहाँ पर एम्पलीफायर ऑन कर लेते हैं अपने, एम्पलीफायर ऑन करने में देखिए, ये हमने एम्पलीफायर एक ऑन करा, दूसरा ऑन करा, और यहाँ से धीरे धीरे हम अभी ये देखेंगे आप, यहाँ पर एम्प ऑन, दोनों एम्प ऑन हो चुके हैं हमारे। तो हल्की सी वॉल्यूम अप कर लेता हूँ मैं, यहाँ से देख रहे हैं आप, सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर दिया हमने, अब देखना इसका आउटपुट, 5 सेकंड के लिए चलाऊंगा सिर्फ और सिर्फ। तो भाई इतना काफी है, पूरा शरीर कांप गया है। तो भाई अभी देखते हैं, अब कनेक्शन समझाते हैं आपको, एम्पलीफायर को दोबारा से पावर ऑफ कर देते हैं, आप देख रहे हैं कितने शानदार एम्प लग रहे हैं, ऊपर से जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो है 5000 वाट का एम्पलीफायर। तो अभी हम चलेंगे सारे पीछे इसके सारे कनेक्शन देखने के लिए, किस तरह से कौन सा कहां पर कनेक्ट कर रखा है, जिससे कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ सके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उन्हें चलाने नहीं आता है, कई बार क्या होता है लेकर उसको खराब कर देते हैं। तो खराब कैसे होता है सब कुछ समझाएंगे। अभी हम आ गए हम सारे पूरे बैक साइड पे, जो पूरा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीकर, सारे कनेक्शन आपको समझा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर अभी आएंगे हम 5000 वाट के एम्पलीफायर के ऊपर, जो 5000 वाट के एम्पलीफायर है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जो वायर यूज करी है वो यहाँ पर अपने जुगाड़ बनाया है, क्योंकि भाई मिक्सर से काफी ज्यादा दूर पड़ रही थी, इतनी लंबी वायर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो एक चैनल पे हमने स्पीकोन से ये देखेंगे आप, सीधा ये वायर आ रही है और यहां पर हमने कनेक्ट करके बेस के अंदर, ठीक है। ये चारों ओम पर बेस है, दोनों जो है अंदर से साथ में जुड़े हुए हैं, यहां से आउटपुट भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर एक बेस हो गई यहां पर 4 ओम की, और दूसरी बेस के लिए हमने यहां पर देखिए स्पीकोन हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने यहां पर जो है कनेक्शन कर दिए हैं स्पीकर सॉकेट में। यही फायदा होता है एमवी कलेक्शन लेने का, यहां पर स्पीकर सॉकेट में आराम से आपने कनेक्ट कर दिया है। अब यहां से क्या है, जो हमने ये वाली बेस सेट करी हुई है, ये आपको आगे और टेस्टिंग दिखाने के लिए थोड़ा अलग अलग बनाया है, जिससे कि हम आपको 8 ओम 4 ओम सब पे टेस्ट करा सके। तो इन दोनों को हमने साथ में ज्वाइन करके एक चैनल में दे दिया, ये भी 4 ओम आपकी बन जाती है। दोनों में अलग अलग स्पीकर में एक एक स्पीकर लगाया गया है यहाँ पर, क्योंकि आगे भी आपको टेस्टिंग दिखानी है। अब जाते हैं यहाँ पर जो हमारा 4000 वाट का एम्पलीफायर है,
ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारे हो गए ऑडियो इनपुट जो कि मैंने XLR से दिया है, जो कि सीधा जा रहा है मिक्सर में, मिक्सर के अंदर, ये पहले मिक्सर के अंदर जा रही है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है स्पीकर, ठीक है, स्पीकर जो है स्पीकर कौन से, देखिए स्पीकर टू स्पीकर वन, तो जो स्पीकर टू है वो देखेंगे ये वायर आ रही है आपकी, और इधर जाकर दूसरे वाले उधर जो टावर लगा हुआ है उसके अंदर जो है ये स्पीकर लगा हुआ है। अब यहाँ पर आएंगे दूसरा स्पीकर जो है ये साफ सीधा आपको दिख रहा है दूसरे स्पीकर में यहाँ पर डायरेक्टली चला गया है। तो ये सिंपल सा सेटअप होता है। अब जो MV कलेक्शन जो मिक्सर है उसको जो कनेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको ब्लूटूथ मोड भी है, तो हमने आपको अभी ब्लूटूथ से चलाकर दिखा रहे थे जो भी आपको साउंड टेस्ट कराया, अभी आगे भी ब्लूटूथ से ही टेस्ट कराएंगे आपको। ये ऑक्स है, ऑक्स हम निकाल देते हैं, ऑक्स में हम टेस्टिंग कर रहे थे, तो ऑक्स का कोई यूज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिक्सर में आपको ये दो तीन कनेक्शन करने हैं और आपको जो एम्पलीफायर है पूरा एकदम परफेक्ट चलेगा। यहाँ पर जो है आउटपुट हमने इसके लिए दिया है दोनों चैनल के लिए, इस ऑडियो के लिए, और यहाँ पर बेस के लिए जो है जिसकी तार हम कह रहे थे लंबी करी है, तो यहाँ पर ये जुगाड़, ये हमने यहाँ पर एक आउटपुट इसके लिए लगाया बेस के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बाकी आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं MV कलेक्शन में, क्रॉस ओवर वगैरह सब कुछ आ रही है जो प्रोफेशनल डीजे में यूज होती है। तो अभी आपको साउंड आउटपुट जाली खोलकर दिखाएंगे, अभी तो हमने आपको वैसे ही साउंड टेस्ट करा दिया है। तो यहाँ पर जितना कुछ है सब कुछ MV कलेक्शन ब्रांडेड है, कोई भी अदर चीज नहीं लगी हुई है। आप एम्पलीफायर को खोलेंगे अंदर भी सारा कुछ MV कलेक्शन, A to Z MV कलेक्शन। तो MV कलेक्शन जिस तरह से आपके लिए वर्क कर रहा है उसी तरह से आपका प्यार भी हमें दिख रहा है। तो भाई जिसको ऑर्डर देना है इन सामान में से वो जाकर दे सकता है या व्हाट्सएप भी कर सकता है हमें। बाकी अब चलते हैं फ्रंट की साइड, आपको टेस्टिंग दिखाते हैं, प्रॉपर स्पीकर जो बाउंस कर रहे हैं किस तरह से बाउंस कर रहे हैं सब कुछ दिखाते हैं। पीछे चलते हैं एक बार, तो भाई साहब कॉपीराइट ना है इसलिए मैं ज्यादा देर तक टेस्टिंग नहीं दिखाऊंगा, आपको जल्दी से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबवूफर मैंने सारे खोल दिए हैं, सारा कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारा स्पीकर जो है सारे खोल दिए, आप सामने बाउंस दिखाएंगे। भाई देख रहे हो क्या नजारा है यार, ऐसे नजारे ना, ऐसे नजारे देखने तो MV कलेक्शन जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो भाई 5 सेकंड के लिए चलाऊंगा सिर्फ गाने, जिससे क्योंकि आप लोग कहते हो कि जो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स होते हैं उनमें मजा नहीं आता है, क्या सर क्या क्या घटिया गाने चला देते हो, तो इसलिए हम आपको अब देसी गाने जो डीजे में चलते हैं ना बढ़िया वाले वो चलाकर दिखा रहे हैं। इसको हम ज्यादा देर नहीं चला सकते ना, कॉपीराइट आ जाएगा, वीडियो भी डिलीट हो सकती है, इसलिए हम थोड़ा सा चलाकर दिखाते हैं। आ जाइए यहाँ पर स्पीकर के पास, मैं आपको जब वॉल्यूम खोलूंगा ना आपको दिखाएंगे सबवूफर किस तरह से बाउंस कर रहा है, किस तरह से एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेंस है कितना तगड़ा ही परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ सॉन्ग प्ले करके, और आपको थोड़ा जल्दी से दिखाएंगे जिससे कि कॉपीराइट ना आए। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम अप कर देता हूँ सॉन्ग प्ले करके, तो भाई ज्यादा देर नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो अब दूसरा गाना थोड़ा सा और सुना देते हैं जिससे कि आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सारा कुछ साफ सुथरा दिख जाए कि भाई क्या क्वालिटी होती है, क्या क्लैरिटी होती है, क्योंकि एम्पलीफायर को खराब करने के लिए भाई 2 मिनट भी खराब कर सकते हैं, और चाहें तो जिंदगी भर भी वो ऐसे ही चल सकता है। तो थोड़ा सा और दूसरा गाना प्ले करने की कोशिश करते हैं हम, ज्यादा हम नहीं दिखा सकते भाई, जितना आपको भाई अब देख लिया आपने परफॉर्मेंस आपके सामने दिखा रहे हैं। बाकी हमारी गारंटी है तपती धूप हो या जैसी भी धूप हो, जैसे हमने आपको बताया ना, जैसे आपको पैच करे हुए हैं 2000 वाट का, जैसे हमने बताया था ये 2000 वाट का एम्पलीफायर है, तो इसमें आपको सिर्फ 1000 वाट ये टॉप देना है, 1000 वाट ये टॉप देना है, फालतू स्पीकर नहीं जोड़ने हैं। अब क्या करते हैं लोग, अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, अब क्या करते हैं एक ही चैनल पर दो दो डाल दिए, एक चैनल पर दो दो डाल दिए। भाई जो मशीन जैसे अगर 2000 वाट की है तो 2000 की जगह 2200 वाट दे दो, 2400 वाट दे दो, लेकिन एक टावर दो। अब आप उसमें क्या करते हैं कि 2 स्पीकर जोड़ दीजिए, हमने क्या करा 1200 वाट के 2 स्पीकर एक ही चैनल पर लगा दिए, तो भाई मशीन उड़नी पक्की है, क्योंकि आपने उसको जिसकी जितनी उसकी क्षमता है उससे डबल लोड दे दिया है और आपको फुल बजा रहे हो धूप में, तो भाई मशीन हीट होकर खराब हो जाएगी। तो अगर आपको इसमें चलाना है, और एक चीज और, कुछ लोगों ने क्या करा बड़े बड़े हमसे एम्पलीफायर खरीदे और उसके बाद उसमें 150 वाट का स्पीकर लगा दिया, यार ऐसे कोई करता है क्या? मतलब आपने 15-20 हज़ार रुपये का आप एम्पलीफायर ले रहे हो, 25 हज़ार का एम्पलीफायर ले रहे हो, उसमें फिर 150 वाट का स्पीकर चला रहे हो, भाई क्या ऐसे कोई भी एम्पलीफायर प्रॉपर वर्क नहीं करता है किसी भी कंपनी का हो। अगर आप इतने छोटे स्पीकर ऐसे लगाएंगे वो स्पीकर भी उड़ेगा और वो एम्पलीफायर को भी 100% खराब कर जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो 5000 वाट एम्पलीफायर है इसमें कोई इशू नहीं है, इसको आप 2 ओम पर भी चलाओ, 4 ओम पर चलाओ, जैसे मर्जी चलाना है। इसमें आप 4 टॉप भी चला सकते हो, आप इस पर क्लास डी पर इसमें 4 टॉप भी चला सकते हो, या फिर 4 बेस, जैसे कि हमने कहा था कि हमारा 5000 वाट का एम्पलीफायर ठोक कर बिल्कुल 4 18 इंची की बेस आपके सामने जो चला रहा है, किस तरह से नाच रही है बेस वो आपको दिख रहा है। कहते हैं कि एम्पलीफायर दबता है, ये होता है, वो होता है, भाई कोई एम्पलीफायर नहीं दबेगा, अच्छा काम करोगे अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आगे भी एम्पलीफायर आने वाला है जिसमें आप 21 इंची की बेस भी चला सकते हो, अभी MV कलेक्शन जो है जल्दी ही लॉन्च करने वाला है जिसमें आप 21 इंची की 2 बेस आप आसानी से चला सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टेस्टिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई आप लोगों के लिए कड़ी धूप में बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, इस सेटअप लगाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वीडियो अच्छी लगी तो नीचे एक भाई कमेंट करना मत भूलना, आई लव MV कलेक्शन, सबको दिखाओ, सबको भेजो ये वीडियो की भाई MV कलेक्शन क्या चीज है, क्या क्वालिटी देता है, किस तरह की क्वालिटी देता है, जिससे कि सबको पता चल सके कि MV कलेक्शन आप लोगों के लिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो भाई दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार देते हैं। ये थी आज की वीडियो, वीडियो को वीडियो देखकर सब्सक्राइब करना मत भूलना, धन्यवाद।